मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग वाहन में दो महिलाएं और एक अन्य एम्बुलेंस में तीन वृद्ध महिलाओं को जिला महिला चिकित्सालय में लाया गया। ऐसा लग रहा था कि महिलाएं काफ़ी दिनों से भोजन के अभाव में भूखी प्यासी रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थीं, जिसके कारण महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ गई। प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने महिलाओं की देखरेख के लिए डॉक्टर और नर्सों की टीम को लगा दिया। सभी महिलाओं को अस्पताल के माध्यम से साफ वस्त्र और खाने पीने की वस्तुएँ उपलब्ध कराई गईं। अस्पताल प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के माध्यम से चार महिलाओं ने अपने नाम विद्यावती, बाला देवी, राम दुलारी और प्रभावती बताया, जबकि एक महिला अपना नाम बताने में असमर्थ रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर ने कहा, ऑफिस में बैठा हुआ था, उसमें पता चला कि दो एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस, एक कोई सरकारी गाड़ी हमारे गेट पे आके रुकी है, तो मैं तुरंत गया हूँ तो पता बताया गया कि इसमें कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, तो उसके लिए मैं व्हीलचेयर और कपड़े की व्यवस्था करके और उनको अस्पताल के अंदर लाया हूँ, क्योंकि बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी हुई थी और जाकर देखा तो उसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और बहुत वृद्ध थी, कमज़ोर थी और अव्यवस्थित थे कपड़े थे, तो मैं कवर करके बेडशीट से अंदर ले आया हूँ। अंदर फिर उनको एक कंफर्टेबल कमरे में पंखे के नीचे उनको रखा हुआ है और उन्हें कुछ हमें लगा कि इन्होंने खाना पीना नहीं खाया है, तो इनके लिए हमने खाने की व्यवस्था कर दी और वो और इनके लिए नए कपड़े भी मंगवा दिए हैं और ये सब आराम कर रही हैं। अभी मुझसे ऑफिशियली कोई मेडिको लीगल
की मांग नहीं की गई है। अगर कोई सक्षम अधिकारी द्वारा मेडिको लीगल पेपर दिए जाते हैं तो उसके लिए मेरे चिकित्सक देखिए दो बैठे हुए हैं, उनसे हम इनका मेडिकल परीक्षण भी करवा देंगे।